संचय किया है, ऐसी शांति धारा भगवान के मस्तक पर प्रतिदिन मंदिरों में की जाती है। आज अयोध्या की धरती पर बड़े भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर बड़ी शांति धारा हमारे इंजीनियर संयम जैन ने किया है और उनके साथ अनेक भक्तों ने। आज हमारे बीच में राजधानी दिल्ली से संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली से आए हैं और उनकी सुपुत्री संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, ये लोग भी आज पूरे परिवार के साथ हस्तिनापुर की धरती पर पधारे हैं। अनिल जी अपनी पौत्री अर्थात अतिशय जैन सुरभि जैन की सुपुत्री को पहली बार लेकर के आए हैं और उसको गुरुओं का आशीर्वाद दिलाकर मंगलमयी वातावरण में उसके संस्कार कराने के लिए विशेष रूप से सब परिवार अयोध्या में पधारे हैं। और आज संयोग से हमारे बीच में परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज विराजमान हैं, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का भी संग सहित यहाँ सानिध्य मिल रहा है। तो 16 कारण पर्व में जैसे 16 कारण भक्ति का पाठ चल रहा है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ। आज के 16 कारण भक्ति में हम हिंदी की भक्ति पढ़ेंगे क्योंकि पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने संस्कृत में 16 कारण भक्ति लिखी और उसका हिंदी पद्यानुवाद भी उन्होंने स्वयं किया है। तो 3 दिन से लगातार संस्कृत में भक्ति पढ़ते थे, आज हिंदी की भक्ति पढ़ करके और आप सब लोग अपने अपने घरों में जो बैठे हैं और अयोध्या के इस बड़े मंदिर के अंदर उपस्थित हैं, सब लोग एक एक दीपक जलाने का पुण्य लाभ प्राप्त करना। जब लो 16 कारण पर्व की जय। सिद्धि प्रदाता 16 कारण भावनाएं मुनि गाते, तीर्थंकर भगवान ने पहले भव में भाते। पुनः जगत में धर्म तीर्थ का सफल प्रवर्तन करते, भावनाओं को तीर्थंकर को सिद्धि हेतु हम जजते। जब लो दर्शन शुद्धि आदि 16 कारण भावना की जय। अब एक एक भावना अलग अलग पढ़ी जा रही है। दर्श विशुद्धि शिव सुख देती, प्रथम भावना जग में माता सम अनंत गुण गण को पैदा करती सच में। 25 दोष रहित यह सम्यक दर्शन शुद्ध कहा है, संवेग आदि 8 गुण युत को मैंने नमन किया है। ओम रीम अरहम दर्शन शुद्धि भावना नमः दीपम निरपामीति। जब लो दर्शन विशुद्धि भावना की जय। दर्शन ज्ञान चरित्र सदा तथा उपचार विनय चारों है, इनमें इनके धारी में अनुराग विनय युत जो है। सभी जगत को नम्र बनावे शिव का द्वार कहावे, द्वितीय विनय संपन्न भावना इसे सदा शिरनावे। ओम रिवनम विनय संपन्नता भावना ये नमा दीपम निरपामिति। चलो विनय संपन्नता भावना की जय। शील व्रतों में उचित प्रवृत्ति सदा शास्त्र अनुसारे, अतिचारों से रहित धरे जो तृतीय भावना धारे। श्रेष्ठ भावना शील व्रतों में अनतिचार को वंदो, सकल शील व्रत पूर्ण करे ये इनको धर भव खंडो। ओम रेरम शील व्रत अनतिचार भावना ही नमा दीपम निरपामिति। जब लो शील व्रते सनतिचार भावना की। जिन वर कथित
वेद हैं चारों ये अनुयोग काते, स्वयं पढ़े जो चतुसंग को रुचि से नित्य पढ़ाते। वे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग को धरते उन्हें नमो में, सदा भावना को भी प्रणमो परमानंद भजू में। ओम रिया नम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना नमा दीपम निरपामिति। जो संसार देह भोगों से विरति भाव को धारे, श्रेष्ठ धर्म में परम प्रीति धर वर संवेग विचारे। स्वात्मा से उत्पन्न परम अमृत से तृप्त हुए हैं, उस संवेग भावना को नित भावों धरूं हिये में। ओम रियनम संवेग भावनाय नमः दीपम निरपामिति। रत्नत्रय निधि भव जनों को देते साधु नाते, प्रासुक दान यही है उत्तम मामुनि कर पाते। दान चतुर्विद भी इस जग में सबका है हितकारी, यथाशक्ति यह त्याग भावना नमो इसे सुखकारी। ओम रियानम शक्ति त्याग भावना नमः दीपम निरपामिति। अंतरंग छह प्रकार के छह बारह तप माने हैं, अंतरंग छह बार के छह बारह तप माने हैं, मुनिवर निज शक्ति सम इनको करते अगाने हैं। ध्यान सिद्धि के लिए सभी ये तपश्चरण मुनि करते, मैं भी नित्य प्रति सभी तपों को भावों अतिशय रुचि से। ओम रियानम आराम शक्ति तप भावनाए नमा दीपम निरपामिति। साधु समाधि महापुरुष के मन को पावन करती, धर्म ध्यान हर शुक्ल ध्यान में निश्चल मन को धरती। मुनियों के संपूर्ण कष्ट को दूर करे जो रुचि से, ऐसी साधु समाधि भावना भवे धरों नित चित में। ओम रियनम साधु समाधि भावना नमा दीपम निरपामिति। प्रासुक औषधि से सेवा से गुरु की वैया व्रति, गुरुओं के रोग आदि दूर कर गुण के पुंज धरे भी। सर्व तपों का प्राण कही यह वैया वृत्ति भावना, जिन गुण प्राप्ति हेतु नमो में उत्तम यही भावना। ओम रियानम वैया व्रत करण भावना नमा दीपम निरपामिति। अरहंतों की भक्ति भुवन में काम देनु कहलाती, यही अकेली सर्व सुखों को देती मोक्ष दिलाती। दुर्गति के संपूर्ण दुखों को क्षण में दूर भगाती, नित्य नमो अनुराग भाव से हो निज सुख की प्राप्ति। ओम रीम अरहम अरहत भक्ति भावनाय नमः दीपम निरपामिति। गुरुवर आचार्य भक्ति से बहुते मंत्र विद्याएं, सिद्धि होती भक्ति गणों को ऐसा शास्त्र बताएं। दीक्षा दाता मुक्ति प्रदाता उनके गुण का रागी, उन्हें नमो आचार्य भक्ति भी बंधु गुरु अनुरागी। ओम रियरम अरहत भक्त आचार्य भक्ति भावना यही नमः दीपम निरपामिति। श्रुत समुद्र गुरु उपाध्याय को सदा नमो भक्ति से, श्रुत समुद्र पारंगत हो उन प्रसाद को पाके। बहुश्रुत भक्ति से निज सौख्य पूर पा जाते भविजन, वे ही ज्ञानामृत को भी नित पीते रहते मुद मन। ओम रियानम बहुश्रुत भक्ति भावनाय नमः दीपम निरपामिति।
जिनवर के प्रकृष्ट वचन में अनुरागी भक्ति से मन में नित्य स्मरण कर स्तुति करें भी रुचि से। चौविध संग को नमन करें भी जो मन में धर प्रीति, स्वात्म निधि को पाते वे ही वंदो प्रवचन भक्ति। ओम रियनम प्रवचन भक्ति भावना नमः दीपम निरपामिति। छय आवश्यक को नित पाले कभी न करते हानि, अपूर्व लक्ष्मी को वश करते वे ही मुनिवर ज्ञानी। यह आवश्यक अपरिहानी है श्रेष्ठ भावना मानी, मैं इसकी संस्तुति करूं निज पाऊं निज रजधानी। ओम रियनम आवश्यक परिहानी भावना ही नमा दीपम निरपामिति। श्रेष्ठ ज्ञान पूजा विधान से घोर तपश्चर्या से, जो जिन शासन में रत शिव पद की प्रभावना करते। रत्नात्रे गुण तेज स्वयं धर निज की करे प्रभावन, मार्ग प्रभावन नमो भावना करु स्वगुण उद्भावन। ओम रियनम मार्ग प्रभावना भावनाय नमः दीपम निरपामिति। जिन वर वचनों में वत्सलिता प्रवचन वत्सलिता है, संग में आगम में भी अतिश प्रीति हर्ष परिता है। सब गुण को पैदा करने में जननी शिव की दात्री, जिन गुण संपत्ति हेतु में नमो यही सुख करत्री। ओम रियनम प्रवचन वात्सल्य भावना नमः दीपम निरपामिति। त्रिभुवन के सब जीवों का उद्धारीकरण में हेतु, तीर्थंकर का अतिशय पुण्य उपार्जन में ये हेतु। ये सोल कारण सुभावना अल्प ज्ञान मति मुझ में, नित्य नहे दीप मानिए नमो इन्हें नित्य प्रति में। हे भगवन इच्छा करता मैं सोल कारण भावन, भक्ति का योत्सर्ग किया अब करता हूँ आलोचन। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म की प्रकृति बंद में कारण, दर्श विशुद्धि विनय युक्तता शील व्रता नति चारण। सतत ज्ञान उपयोग तथा संवेग शक्ति तस्त्यागी, यथाशक्ति तप साधु समाधि वैयावृति में लाग। अरहत भक्ति सूर भक्ति बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति, आवश्यक में हानि नहीं शिव पथ प्रभावना युक्ति। प्रवचन वत्सलता ये सोल कारण भावन सुंदर, नित्य काल में हरचू पूजू वंदु नमो शिवंकर। दुखों का क्षय कर्मों का क्षय होम भी होवे, सुगति गमन मम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति होवे। जब लो सोले कारण भावनाओं की जय, सोले कारण महापर्व की जय। आपने सोले कारण भक्ति के माध्यम से सोलह भावनाओं का चिंतन किया, जिन भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान, और पूर्व जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके पंच कल्याणक महोत्सवों को प्राप्त करते हैं, ऐसे अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है अयोध्या। अयोध्या में आज परम पूज्य 108 मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संग सहित विराजमान हैं। अभी उनके भी मंगल उद्बोधन आपको श्रवण करने को मिलेंगे। ध्यान रखना है, कल से चैत्र मास का दशलक्षण पर्व प्रारंभ है, क्योंकि कल चैत्र शुक्ला पंचमी है, तो आपको पूज्य माता जी सवेरे दशलक्षण पर्व की भी एक एक मंत्र की एक एक धर्म की जाप कराएंगी। और कल चैत्र शुक्ला पंचमी को भगवान अजितनाथ, जिन्होंने अयोध्या की धरती पर जन्म लिया है,
उनका मोक्ष कल्याणक, उनका मोक्ष कल्याणक है। आप सब अपने अपने मंदिरों में भी निर्वाण लाडू चढ़ाएं और प्रातःकाल के पारस चैनल के लाइव टेलीकास्ट में भी जैसे प्रत्येक भगवान के निर्वाण लाडू चढ़ाए जाते हैं उनमें आप सब भाग लेकर के और भगवान के निर्वाण की बेला में पुण्य का अर्जन कीजिएगा। तो ये दोनों सूचनाएं आपको ध्यान देना है कि कल से दशलक्षण पर्व भी है और कल भगवान अजितनाथ का मोक्ष कल्याणक है। अब पूज्य मुनि श्री से निवेदन है कि वे उपस्थित भक्तों को और दूर दराज बैठे हुए ऋषभदेव जूम चैनल एवं पारस टीवी चैनल के माध्यम से सबको अपने मंगल उद्बोधन से लाभान्वित करेंगे। जलो पूज्य मुनिराज श्री पुण्य सागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋषभदेव भगवान की, आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी महाराज, वर्धमान सागर जी महाराज की, उपस्थित महानुभाव, अभी जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक आप लोगों ने देखा। जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक से हमारे पांचों इंद्रियां सुख का अनुभव करते हुए दिखाई देती है। जब यहाँ पर भगवान ऋषभदेव के 31 फुट के मूर्ति का अभिषेक हो रहा था तो हमारे सामने गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी का दृश्य नजर आ रहा था, जहाँ भक्तगण बाहुबली भगवान का पंचामृत अभिषेक करके अपने जीवन को सफल करते हैं। भगवान बाहुबली स्वामी आज दक्षिण भारत में खड़े होकर के सारे विश्व को अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, ध्यान से सिद्धि और मैत्री से प्रगति का संदेश निरंतर दे रही है। तो वहीं पर पूर्वी भारत में भगवान ऋषभदेव खड़े होकर के सारे देश को, सारे विश्व को अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो का संदेश, असी मसे कसे विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन षट कर्मों का, ऋषि बनो या कृषि करो का संदेश वे हमेशा अपने जीवन में दे रहे हैं। कल का दिन अत्यंत सौभाग्यशाली दिन भी है। कल अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिन भी है और जहां हम देखते हैं कि गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिष्ठा महोत्सव का दिवस भी है। 981 में चैत्र शुक्ला पंचमी का वह दिन था, वीर मार्तंड चामुंडराय ने बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण कराया, जिसका प्रतिष्ठापना दिवस भी कल जो है वहां पर है। कैसा योग बना है? ये भी एक संयोग है कि जिस अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया वहीं पर भगवान बाहुबली ने भी यहीं पर अयोध्या नगरी में जो है जन्म लिया है। जहां ऐसे पिता पुत्र के मंगलमय अभिषेक को देख करके मन अत्यंत गदगद हो जाया करता है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके अपने जीवन में पुण्य का संपादन किया करता है। आज वर्तमान में गणनीय आर्यिका ज्ञानमती माताजी के भीतर देव शास्त्र गुरु के प्रति
इतनी अटूट आस्था, इतनी अटूट भक्ति है कि वे प्रतिदिन भगवान का प्रातः काल में और सायंकाल में जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक यहाँ पर देखा करती है। ये निकट भव्य जीव के लक्षण हैं, जिनको जिनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है। और जब जब भी पर्व के दिन आते हैं, कल्याणक के दिन आते हैं या अन्य कोई त्योहार आता है, तो माताजी अपने जीवन में भक्त लोगों को प्रेरित करती हैं दीपाराधना के माध्यम से, अपने अज्ञान अंधकार को दूर करती हुई सारे भक्त गणों के अंधकार को दूर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करती हैं अपनी आगम की वाणी के माध्यम से। प्रतिदिन माताजी को हम श्रवण करते हैं। अभी भी तीर्थंकर कैसे बने, इसकी दीपाराधना यहाँ पर चल रही है। तीर्थंकर बनना बहुत दुर्लभ है, ये तीर्थंकर प्रकृति अत्यंत सुलभ नहीं है। जहाँ तीन लोक के प्राणियों के उद्धार की भावना जब मन में आती है, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो पाता है। 29 अंक का प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की राशि में केवल मात्र हमारे भरत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में और विदेश क्षेत्र में पंच कल्याणक वाले जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं वे मात्र 24 24 और 20 संख्या में हुआ करते हैं। बाकी तो विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले बहुत से तीर्थंकर प्रभु भी होते हैं। जहाँ ऐसी 16 कारण भावनाओं का चिंतन जब करते हैं, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। वर्तमान में प्राणी जो है अपने जीवन में अपने पड़ोसी को सुखी देखना नहीं चाहता, बस मैं सुखी रहूं, पड़ोसी जाए भाड़ में। जहां ऐसी भावना होती है वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद जीव नहीं कर पाता है। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद चौथे गुण स्थान से लेकर के आठवें गुण स्थान तक जीव जो है वे केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में किया करते हैं, क्योंकि जो विशुद्धि केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होती है वैसे विशुद्धि अन्यत्र कहीं पर भी नहीं होती है। ऐसी दुर्लभ तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके भव्य जीव अगले भाव में आकर के वे अपने जीवन में संयम को धारण करते हैं और अपने घात्या कर्मों को नष्ट करके 13वें गुण स्थान को प्राप्त करके वे जो है देवों के द्वारा पूज्य ऐसे समव शरण को प्राप्त करके उनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता रहता है। आरिका ज्ञानमती माता जी अपने जीवन में ऐसे अनेक रथों का प्रवर्तन करके भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत भगवान की दिव्य देशना को सारे जगत के अंदर वे जो है इस रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार भी हमेशा समय समय पर किया है। और जो है वे अपने जीवन में भव्य जीवों को पुण्य संपादन में वह बहुत बड़ी कारण बनती है। आज भी माता जी जो है इनके भीतर इतनी भक्ति, इतना उत्साह, इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा आज जो है अच्छे अच्छे लोगों में देखने को भी नहीं मिलती है। जिनके चेहरे पर अपूर्व तेज, जिनके चेहरे पर अत्यंत आकर्षण, ऐसा जो है आज अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज इतनी उम्र में भी निरंतर भगवान के दर्शन करने की भावना करती है। अपने को तो एक दिन बुखार आ जाता है तो आज मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन माता जी आज भी जो है दर्शन करने के लिए हमारे साथ में जो है मंदिर में गई और भगवान की भक्ति करी। ये निकट भव्य जीव के लक्षण है। और वास्तव में माता जी निकट भव्य है, इनका संसार ज्यादा नहीं है और ये जो है बहुत जल्दी जो है मोक्ष को प्राप्त करेगी। जहां आरिका ज्ञानमती माता जी अपने जीवन में जिन्होंने अनेक साधकों का निर्माण किया और जहां कल्याण मार्ग पर अग्रसर किया, आरिका चंद्रामती माता जी प्रज्ञा श्रमणी जो कि ठीक ज्ञानमती माता जी की तरह ज्ञानवान प्रबुद्ध हैं और नाना प्रकार के अनुभव
आरिका ज्ञानमती माताजी से निरंतर प्राप्त करती रहती हैं, जिन्होंने अपने बाल्य अवस्था से ही आरिका ज्ञानमती माताजी की पावन सानिध्य में रह करके सब कुछ जिनागम का ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त किया है। वहीं पर हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी ये भी पीछे नहीं है, जहाँ इनके भीतर भी अद्भुत क्षमता है, प्रतिभा है कि आज जो है तीर्थ क्षेत्रों का विकास करना कोई सामान्य बात नहीं है। ये विरले जीवों में ऐसे देखने को मिलता है कि एक ही स्थान से बैठ करके जो है सर्वत्र चारों दिशाओं में तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण करना आरिका ज्ञानमती माताजी की प्रेरणा पा करके, और वे जो है माताजी के कहे अनुसार वे अपने तीर्थ क्षेत्रों का विकास करने में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। वहीं पर जो है हमारी सभी आरिका माताएं, आरिका ज्ञानमती माताजी एक से बढ़कर एक जो कि माताजी की साधना में सहयोग प्रदान कर रही है। हम देख रहे हैं चार दिन से कि कैसे जो है माताजी को जरा सा भी कष्ट नहीं होने देती है, बिल्कुल फूल की तरह माता जी को रखती हैं। और जहां हमारी दीदियां, ये सारी दीदियां नाम तो मुझे मालूम नहीं सबके, इंदू दीदी है, सारिका दीदी है, और क्या क्या नाम है, है वीना दीदी भी है, ऐसे सब दीदियों ने भी जो है बहुत बड़ा जो है माता जी की सेवा का लाभ उन्हें अपने जीवन में मिल रहा है। केवल सेवा का लाभ ही नहीं, ज्ञानार्जन और साथ साथ में जो है अपने जीवन में संयम का मार्ग भी ज्ञानमती माताजी के माध्यम से मिल रहा है। और ज्ञानमती माताजी के लिए हम यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते कि माताजी आप तो निर्विकल्प होकर के अपनी साधना करें, आपको किसी भी प्रकार के विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आपके पोते हैं, आप हमारी दादी माँ हैं, यदि समाधि में आवश्यकता पड़े तो हमको तत्काल बुला लेना, हम आपके चरणों में आपके पास में आपकी सेवा के लिए निरंतर तैयार हैं। समय का खेल है, आप तो अच्छी तरह से निर्विकल्प होकर के भगवान के चरणों में अपने शेष जीवन को समर्पित करें। हम तो यही चाहते हैं कि आपका जन्म शताब्दी वर्ष जो है आपका मने और समाज के अंदर एक ऐतिहासिक प्रेरणा यहाँ से पहुंचे, क्योंकि आप वैसे ही साथी से पुण्य की धनी हैं, आपके भीतर इतनी विशुद्धि है उसकी कल्पना हम भी नहीं कर सकते हैं। जहां आहार के समय देखते हैं कितनी प्रसन्न चित्तता से माताजी आहार ग्रहण करती है, ग्रंथ के लेखन में भी शुद्धता, बोलने चलने में भी शुद्धता, उठने बैठने में भी शुद्धता, जिसके कारण जो है आपका ज्ञान का क्षेपसम और आपकी दीर्घ आयु जो है वो निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी हम भगवान ऋषभदेव से हम यही मंगलमय कामना करते हैं। और कल प्रातः काल की मंगलमय बेला में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे की यात्रा के लिए। इसलिए हमारे द्वारा जो कुछ कहा हुआ हो, कुछ कह दिया हो, तो हमको पोते समझ करके क्षमा करना। हम माता जी के लिए हम यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप अपने जीवन में निर्विकल्प होकर के अच्छी तरह से साधना करें और अपने शेष जीवन को अच्छी तरह से समाधि मरण पूर्वक अपनी साधना करते हुए इस नारी पर्याय से मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन में पुरुष पर्याय को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद। सारे संघ के लिए मंगलमय आशीर्वाद। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।